नमस्कार, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। और लल्लन टॉप की टीम जमुना इस वक्त पहुंची हुई है क्रांतिकारियों के शहर। 1857 की जो पहली क्रांति हुई थी देश की आज़ादी की, वो इसी शहर में हुई थी जहां हम इस वक्त खड़े हैं। नाम मेरठ, और मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में हम आए हुए हैं यहाँ का चुनावी हाल जानने। लोग क्या सोच रहे हैं लोकसभा चुनाव के बारे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, और यहाँ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल के बारे में, जिनके खिलाफ इस बार खड़े हुए हैं कांग्रेस से हरेंद्र अग्रवाल, जो कि बाबू बनारसी दास, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके पुत्र हैं, और साथ ही सपा बसपा गठबंधन से खड़े हुए हैं हाजी याकूब कुरैशी। तो यहाँ पर चुनाव का क्या हाल है, सपा गठबंधन को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं, और बीजेपी का क्या माहौल है, यहाँ के स्टूडेंट से हम जानेंगे यूनिवर्सिटी में क्या माहौल है वो समझते हैं। तो कुछ छात्र हमारे साथ यहाँ के बैठे हुए हैं, यहीं शुरू करते हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम दिग्विजय भाटी है। किस डिपार्टमेंट में? मैं पॉलिटिकल साइंस से पीएचडी कर रहा हूँ। अच्छा, पीएचडी कर रहे हैं। तो चुनाव में मेरठ में क्या माहौल है? मेरठ के रहने वाले हैं हम। हाँ, मतलब 13-14 साल तो मेरठ हो गए रहते हुए। अच्छा। बेसिकली हम लोग जो अमरोहे के रहने वाले हैं। अच्छा। हाँ, वहाँ के चुनाव में भी हम मतलब घूमने का हमें मौका मिला है। तो मेरठ की स्थिति देखी जाए तो जो वर्तमान में जो चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से, उन्होंने कोई मतलब कोई धरातल पर कोई काम तो ऐसा किया नहीं है। अब मोदी जी अपने नाम पे वोट मांगने लगो या योगी जी अपने नाम पे वोट मांगने लगो, बात दूसरी है। लेकिन स्थिति जो है वो ये है कि आपने जो है जो सांसद यहाँ के रहे हैं, उन्होंने क्या चीज़ की है? भाई वोट तो हम उन्हें कर रहे हैं ना, उन्होंने क्या चीज़ ऐसी की है कि जो उनके लिए हम वोट करें, सपोर्ट करें और उनकी बात रखें? तो स्थिति यहाँ आ जाती है फंस करके। आपका मानना है कि जो लोकल सांसद राजेंद्र अग्रवाल, उन्होंने कुछ खास काम नहीं किया 10 साल सांसद? नहीं नहीं, कोई चीज़ उन्होंने धरातल पे नहीं की है। और कुछ लोग उन्हीं की जात के ब्रो, जात के लोग, आप नेट और फेसबुक चला के देख लीजिए, ये कहने को तैयार हैं कि नोटा दबा देंगे लेकिन इन्हें वोट हम लोग नहीं देंगे। भाई उन्होंने कहीं यूनिवर्सिटी में कोई काम किया हो, किसी डिग्री कॉलेज में काम किया हो, इतने छात्रों की फीस रुकी हुई है उस फीस को दिलवाने का काम किया हो, या यूनिवर्सिटी में कोई चीज़ ऐसी खुलवाने का काम किया हो जिससे छात्रों को आने वाले भविष्य में मतलब काम हो सके। आप पॉलिटिकल साइंस से पीएचडी कर रहे हैं? जी जी जी। तो लोगों को भी सबसे ज़्यादा देखता हूँ मैं कि उनको ये जागरूकता ही नहीं है, लोग जागरूक ही नहीं कि सांसद का काम क्या है, सांसद से क्या अपेक्षा रखनी है, आपके हिसाब से क्या अपेक्षा होनी? सर अपेक्षाएं बहुत हैं, जानते सब। सांसद का काम क्या है? सांसद का हर चीज़ में दखल दे सकता है, वो हर चीज़ को करा सकता है। अगर यूनिवर्सिटी उससे निधि के तौर पर सड़क मांगे तो दे सकता है, कोई डिपार्टमेंट मांगता है तो डिपार्टमेंट वो ला सकता है। यहाँ पर सबसे बड़ी बेंच की बात है, बेंच वो ला सकते थे। हवाई अड्डे की बात है, हवाई अड्डा या मतलब ऐसा नहीं है, उसको भी ला सकते थे। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं एजुकेशन से जुड़ी, इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग कर सकते थे वो, लेकिन कहीं कोई बोलने का सिस्टम ही नहीं है। अब बात योजनाओं की, अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हमारी, मतलब आप देख लीजिए कि उन्होंने उज्ज्वला योजना चलाई है। आप उज्ज्वला योजना का किस तरीके से फ़ायदा उठा लेंगे? भाई आपने चूल्हा सिलेंडर दे दिया किसान को, गरीब आदमी को, कि भाई आप चूल्हा सिलेंडर ले जाइए 200 रुपये में, 300 रुपये में। अरे भाई उस चूल्हे सिलेंडर का क्या करेगा जिसमें गरीब आदमी गैस नहीं भरवा पा रहा, 950 रुपये में गैस भरी जा रही है, उस चूल्हे का सिलेंडर क्या करेगा गरीब आदमी? ऐसा तो अपने ले जाओ योगी जी मोदी जी, उस सिलेंडर को क्या करेगा? मैं रोज़ गाँव देहात से जुड़ा हूँ, हमारे घर में दे दिया हमारे चाचा के लड़के को, अब उसकी बहू लड़ा है, नू कह भाई साहब इसे कहाँ से भरवाएं 950 रुपये में? तो ऐसी योजनाओं का क्या फ़ायदा है? अभी उन्होंने दिया, जब ग्राउंड पे जाते हैं तो उज्ज्वला योजना की जो आपने दिक्कत बताई वो तो ठीक है, मगर मोदी जी दावा करते हैं कि कम से कम जिनके घरों में गैस नहीं थी, जो लकड़ियां जलाकर काम कर रहे थे, उनको कुछ तो सहारा हुआ। साहब सहारा एक बताओ, एक महीने के सहारे से, ऐसे सहारे से क्या फायदा है? भाई एक महीने गैस चल जल गई, एक महीने बाद 950 रुपये उस पर बन नहीं रहे, किसान आदमी है परेशान है, 950 रुपये का सिलेंडर लगा, इससे अच्छा तो क्या नाम है चूल्हे पर रोटी सिखवा लेगा। छात्र के तौर पर क्या अपेक्षा है आपकी नरेंद्र मोदी सरकार से? 5 साल में आपको लगता है कुछ हुआ आप लोगों के लिए? देखिए हुआ होगा, उनके दिमाग में लग रहा है कि हाँ उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कर दी, उन्होंने लग रहा है कि हमने किसानों को पैसा दे दिया, अभी तो 2000 रुपये खाते में आए हैं, उन्होंने कह दिया कि हमने किसानों को पैसे दे दिए, हम पेंशन के तौर पे पैसे दे रहे हैं। अरे भाई मोदी जी योगी जी एक चीज़ तो हमें कान खोल कर बता दो, हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, अगर आपने बतौर 6000 रुपये किसान के खाते में दे दिए, एक फोटो खींच रहे भैया, आपने बतौर किसान के खाते में 6000 रुपये दे दिए, 6000 रुपये देने के बाद आप अनुमान लगाइए एक साल में 6000 रुपये, एक दिन में 1650 रुपये पड़ते हैं, एक दिन में 1650 रुपये पड़ते हैं, 1650 रुपये से कोई भी आदमी बैठा हुआ छात्र बता दे, फोटो खींच लो कि कोई भी छात्र बता दे 1650 रुपये में क्या दिन कट जाएगा? ये तो वही वाली बात, वो तो सहायता राशि, मोदी सरकार का दावा है कि सहायता राशि, कोई ऐसा नहीं है कि वो आदमी के 1650 रुपये आप दे रहे हो रोज के, अरे आपको देने थे तो 24000 रुपये दो ना आप, कि जो क्या नाम है 2000 रुपये महीने के बढ़ जाए उसकी रोजी रोटी का काम चल जाए, आप 6000 रुपये दोगे, एक दिन में 1650 रुपये आ रहे हैं, उस 1650 रुपये को उड़ाएं, ओढ़ें, बिछा में क्या करें,
क्या काम है उसका बताओ। कहने का मतलब है कि सब चीजें योजना गलत है ना, योजना गलत है। आपको डायरेक्ट पेंशन, न्याय योजना जो राहुल गांधी लेके आए वो ठीक लग रही है आपको? भैया कौन सी योजना लेके आए? योजना जो कह रहे हैं 72,000 रुपए साल में देंगे, हमने उसके बारे में भी नहीं पढ़ा। हो सकता है वो भी हो, क्या नाम है, आंख मिचौली का खेल कर रहे हो, जैसे योगी ने आंख मिचौली का खेल करा है, ये मोदी जी ने, हो सकता है वो भी कर रहे हो साहब। हम तो ये जानते हैं कि डायरेक्ट पेंशन दीजिए आप किसान खाते में, आप डायरेक्ट जो है जिसका किसान का हुआ है वो खत्म कराइए भाई, जो वो है क्या नाम है किसान का जो कर्ज है उसे डायरेक्ट माफ कराइए, चाहे कोई से भी बैंक का है, चाहे 10 लाख है, 5 लाख है, 2 लाख है, 1 लाख है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीम त्यागी है। क्या करते हैं? मैं बीबी अभी फोटो खींच दो भैया, खींची कि नहीं यार। मेरा अपना थोड़ा बिजनेस है, एक तो पार्किंग का और जो है एक फैक्ट्री हुई है मेरी। पढ़ाई भी यहाँ करते? पढ़ाई मैंने यहाँ नहीं की, मैं गाजियाबाद का निवासी हूँ, यहाँ किसी काम से मैं आया हुआ हूँ। अच्छा, तो भैया से गाजियाबाद में क्या माहौल? गाजियाबाद में माहौल ठीक है, जो है पक्ष में दिख रहा है। गाजियाबाद में जो माहौल है वो वीके सिंह जी के ही पक्ष में है। गया लोग बड़े नाराज थे, कहते फील्ड में नहीं रहते। देखो यार, जो सत्ता में रहता तो नाराजगी तो थोड़ी बहुत रहती है, ये तो आप भी जानते हैं, क्योंकि आप रात दिन जो कवरेज करते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। योजनाएं भी, अब एक चीज़ और भी है कि भाई पिछले 60 सालों में जो चीज़ नहीं हुई, 70 सालों में नहीं हुई, उन्हें चीज़ें को बदलने के लिए, और पब्लिक जब 60 साल से एक चीज़ को रेगुलरली करती जा रही है, देखती जा रही है, उसे बदलाव को एक्सेप्ट करने में थोड़ा तो समय लगता है। चाहे आप नेशनल सिक्योरिटी पे देख लीजिए, चाहे आप किसानों के लिए देख लीजिए, चाहे आप महिला किसानों को लेकर बड़ा नाराज थे, कर रहे हैं भाई आप अब आप ये बात कीजिए, जिसके पास 100 बीघे ज़मीन है, अगर जो वो अपने आप को किसान कह रहा है तो वो चीज़ें अलग है। किसान असलियत में वो है गवर्नमेंट की नज़रों में जिनके पास 5 से 10 बीघा ज़मीन है। लेकिन हर आदमी ये सोचता है, नहीं, जमींदार में और किसान में थोड़ा फ़र्क होता है, मैं इसलिए जो इन्हें बताना चाहता हूँ। ठीक है जी, गवर्नमेंट योजनाएं चलाती है और वो ज़मीन पे क्या उनका जो है रिजल्ट आ रहा है, वो चीज़ें धीरे धीरे पता चलती हैं। एकदम से किसी का रिजल्ट नहीं आता, कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि कोई चीज़ हो जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष है। क्या करते हैं आप? मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, पॉलिटिकल साइंस हूँ। पॉलिटिकल साइंस जी। पिछले 5 साल नरेंद्र मोदी सरकार का काम कैसा लगा? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम हुआ है वो मूल रूप से दिख रहा है, और इसे कहने की आवश्यकता इसलिए नहीं है, जब आप या मैं किसी सड़क पर चलते हैं तो दिखती है, तो वो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम है वो दिख रहा है। दूसरा, विदेश नीतियों में जो काम हुआ होगा वो भी दिख रहा है। पहले विदेश नीतियों में जो सुधार नहीं हो पाए कभी भविष्य में, उन चीज़ों पर अगर मैं कहीं पुरानी चीज़ों से कोरिलेट करता हुआ इन चीज़ों को जोड़ूँ, तो इंदिरा गांधी जी के समय पर जो विदेश नीतियाँ थी उन पर भी उस वक्त पर काम हुआ था, और आज भी उन्हीं नीतियों के अनुसार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम तो हुआ है, जिसे मूल रूप से हम और आप देख पा रहे हैं। चाहे वो अभिनंदन जी वाला मुकदमा रहा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैसे आ गया? इंफ्रास्ट्रक्चर साइंस के स्टूडेंट हैं, ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं राजनीतिक रूप से ही बात करूँगा। मैं जो बात होगी वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात कर रहा हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करता हूँ, तो सड़कों को देख सकते हैं आप, जिन राज्य मार्गों का, राष्ट्रीय राजमार्गों का पूर्ण विस्तार नहीं हो पाया था, वो कहीं ना कहीं अभी इस वक्त पर चल रहा है, तो उन पे अगर कोई फंड लगा है तो वो भी हमारा और आपका लगा है, तो उन पे हम बात कर सकते हैं। मेरठ में क्या हुआ है? देखिए, मेरठ के अंदर जो हमारी कई नीतियां आनी थी उन पर अभी तक वास्तव में कोई कार्य नहीं हो पाया, क्योंकि अगर हम देखें तो मेरठ को उद्योग व्यापार से जोड़ते हुए जिन चीज़ों को यहाँ बढ़ावा दिया जाना चाहिए था, जैसे यहाँ सबसे बड़ी इंडस्ट्री है हमारी खेल इंडस्ट्री, दूसरे नंबर पर हमारे यहाँ सर्राफा बाज़ार वो सबसे बड़ा है, तीसरे नंबर पर हमारा कैची उद्योग था, ठीक है जी, उन चीज़ों पर हमारे यहाँ अभी वास्तव में कोई कार्य नहीं हुआ है, और वो इनके समय पर नहीं हुआ ये भी नहीं कह सकते हम, क्योंकि पिछले बहुत लंबे समय से इन चीज़ों पर काम नहीं हुआ है। हिसाब तो 5 साल का मांगा जाएगा ना? नहीं, 5 साल का हिसाब आप 5 साल के कैंडिडेट से मांग सकते हैं, लेकिन अगर सरकारों की बात करें तो सरकारों को सरकारों के लिए सरकार की बात नहीं, मैं सरकार ये चुनाव किसका हो रहा है? 2014 से 2019 के बीच का हिसाब हो रहा है। हाँ, तो 19 से 24 कौन होगा वो हम तय करेंगे पिछले 5 साल कैसा काम हुआ उसको देख के, उसमें पिछले 100 साल कैसा काम हुआ उस पर नहीं, उस पर हम ये भी तय करेंगे कि पिछले 80 वर्षों में हमारे साथ क्या क्या काम हुए, क्योंकि वास्तव में जिन चीजों पर नहीं हो पाया वो उन 5 सालों में उन पर भी क्यों नहीं हुआ है, तब हम उन चीजों का विश्लेषण करेंगे। इसके बाद अगर आपको लगता है तो आप मुझे बताएं कि उसका विश्लेषण हम पिछले 75 वर्षों का 5 वर्ष से कंपैरिजन कैसे करेंगे। आप ये बताइए ना कि अगर 14 में कांग्रेस हारी तो क्यों हारी, क्योंकि पिछले 10 साल जनता को लगा कि उन्होंने काम नहीं किया, भ्रष्टाचार हुआ है ना, दोनों ने पिछले 5 साल 10 साल का हिसाब लिया था जहां उनको बुरी तरीके से हराया, तो इस 5 साल के जो पिछली नरेंद्र मोदी सरकार है 14 में जो वादे किए थे, इस बार हिसाब उसका होगा ना। UPA 1 की गवर्नमेंट में जो काम हुए,
यूपीए 2 की गवर्नमेंट पे वो काम नहीं हो पाए, जिनकी वजह से वो जो भ्रष्टाचार का मूल रूप आया निकल कर, वो कहीं ना कहीं यही देखने को आपको और हमें मिला कि जो डेवलपमेंट उनके उस वक्त पर यूपी 1 में हुआ था, उनका भ्रष्टाचार निकल कर आया यूपी 2 में, और उन चीज़ों की वजह से जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, पूंजीवाद, गोत्रवाद, उसके बाद लोगों ने राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को मूल रूप वोट दिया था। तो कहीं ना कहीं मेरठ के मुद्दे क्या है चुनाव में? मेरठ का मुद्दा सबसे पहले तो देखिए राष्ट्रवाद का मुद्दा है, और मैं राष्ट्रवाद का मुद्दा इसलिए कहूँगा क्योंकि हमारे यहाँ अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एक धर्म को आधार मानते हुए बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन होता है, चाहे वो सांसदी का चुनाव हो, चाहे वो मेयर का चुनाव हो। तो जब डेवलपमेंट की बात आती है, वास्तव में मैंने देखा कि पिछले कई गवर्नमेंटों में कोई ऐसा कारण नहीं हुआ जो मेरठ के हर व्यक्ति को ज़रूरत थी। जैसे हाईकोर्ट बेंच की बात अगर हम करें, जैसे भाई ने हमारे से पहले हाईकोर्ट बेंच की बात कही, वास्तव में सबसे बड़ी ज़रूरत है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच होना चाहिए। आप अगर इसे उस आंकड़ों के हिसाब से भी देखें तो आंकड़ों के हिसाब से आप यहाँ से 800 किलोमीटर की दूरी तय कर हाईकोर्ट पहुँचते हैं। 800 किलोमीटर की दूरी तय करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति यहाँ का जो पश्चिम का हमारे यहाँ मेरठ से जाता है तो वो 800 किलोमीटर तय कर रहा है, लेकिन जो सहारनपुर से जा रहा होगा उसके लिए तो 1000 किलोमीटर है, तो उसका डिस्टेंस और बढ़ गया। अगर इसी चीज़ को हमारे मेरठ के अंदर स्थापित कर दिया जाता है तो ये मान के चलिए कि आगरा से मेरठ की दूरी, सहारनपुर से मेरठ की दूरी, ये बीच में बैठती है। क्यों नहीं हो पा रहा केंद्र में बीजेपी की सरकार, यूपी में बीजेपी की सरकार जी, क्यों नहीं मेरठ को मिल रहा है? देखिए मेरा इसमें ये मानना है कि कहीं ना कहीं हमारे प्रतिनिधित्व की कमी है, चाहे वो किसी का भी प्रतिनिधित्व रहा हो, और उस वक्त पर हमारी जो पैरवी होती है, जैसे स्मार्ट सिटी में हमारा जो पक्ष रखा जाना चाहिए था मेरठ का, उसे भी मजबूती से नहीं रखा गया, हाईकोर्ट बेंच की पैरवी हमारी मजबूती से नहीं करी गई, तो ये सब चाहे हमारे प्रतिनिधित्व की कमी है। आप मानते हैं राजेंद्र अग्रवाल जैसा हमको काम करना चाहिए नहीं कर पाए? देखिए मैं प्रतिनिधित्व की कमी कह रहा हूँ तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो वास्तव में प्रतिनिधित्व होना चाहिए था वो मजबूती से नहीं रह पाया, जिसकी वजह से हम पीछे रहे। राजेंद्र अग्रवाल का नाम नहीं लेंगे? देखिए मैं कह रहा हूँ, मैं किसी व्यक्तिगत किसी आदमी को नहीं कहूँगा, तो वही है ना सांसद। देखिए मैं अगर इस तरीके से कहूँगा तो पहले भी हमसे पहले सांसद रहे, तो 3 वर्ष से 3 योजनाओं से लगातार 2 योजनाएं इन पर रही हैं, और उससे पहले भी हमारी पैरवी इन चीज़ों पर रही है, तो वो नहीं हुई उस वक्त पर उनकी भी। तो मैं राजेंद्र अग्रवाल को टारगेट करते हुए खाली कहूँ वो भी नहीं। समाजवादी गवर्नमेंट अभी इससे पहले उत्तर प्रदेश में भी रही, हाईकोर्ट बेंच उनका मुद्दा भी रहा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उस वक्त पर उस पर काम नहीं किया। बहुजन समाज पार्टी का मुद्दा रहा, उन्होंने उस वक्त पर उस पर काम नहीं करा। तो किसी पार्टी के लिए कहना गलत है, क्योंकि कई बार हम ये मानते हैं कि पार्टी का नेतृत्व, जैसे समाजवादी पार्टी का रहा हो तो समाजवादी पूरे उत्तर प्रदेश को देखते हुए निर्णय लेगी, उसका खाली एक सीट को देखते हुए निर्णय लेना गलत है। बहुजन समाज पार्टी का निर्णय हो तो वो भी एक सीट को देखते हुए गलत है जी, लेकिन अगर ओवरऑल पूरे पश्चिम के राजनीति के आधार पर बात करी जाए जी, जैसे पश्चिम का सबसे बड़ा वोट बैंक रहा है और सबसे ज़्यादा सीटें रही थी उस वक्त पर बहुजन समाज पार्टी की, उन्होंने भी उस वक्त पर कुछ नहीं किया। तो मैं ही कह रहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करी जाए, नहीं किया, हरवाया आप लोगों ने उनको। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर ऐसा रहता है तो अगर हमारा प्रतिनिधित्व कमजोर रहता है तो हारेगा, उसे आप और मैं केवल अकेले तय नहीं कर पाएंगे, वो एक बड़ा बहुमत का मसला है। तो बहुमत के आधार पर जो चीजें निर्णय के आधार पर तय होंगी, अगर आपको करनी थोड़ा उधर कर लीजिए जाके ना यहाँ पर बैठ, बहुमत के आधार पर अगर कोई बात होगी तो वो तय होगी, उसे आप और हम अकेले तो तय नहीं कर पाएंगे। फोन साइलेंट कर लिए थोड़ा सा अपने आप लोग, है ना? क्या नाम भैया? मेरा नाम भैया आदेश प्रधान है। क्या करते हैं? मैं भैया स्टूडेंट हूँ लॉ का। यहीं पे? हाँ जी लॉ का। हाँ जी वकील साहब बनेंगे? हाँ जी। क्या माहौल है चुनाव का इस बार? चुनाव का माहौल ठीक है, यहाँ पर जो है स्थिति जो है असमंजस में है। क्या असमंजस है? में यह है कि गठबंधन का प्रत्याशी है, उधर कांग्रेस का भी है, और जो है इधर जो है भारतीय जनता पार्टी। मजबूत कौन लग रहा है? ज़्यादा मजबूत तो फिलहाल यहाँ जो है गठबंधन ही है। गठबंधन? हाँ, क्योंकि जो है राजेंद्र अग्रवाल से साफ साफ यहाँ लोग नाराज हैं, लेकिन जो है जो लोग नाराज हैं फिर भी लास्ट में आगे जो हिंदू मुस्लिम का की जो स्थिति यहाँ पर आती है मेरठ के अंदर जो है, जो पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछली बार दंगे हुए इसको लेकर जो है ज़्यादातर जो चुनाव यहाँ फोकस रहता है वो हिंदू मुस्लिम के अनुसार रहता है। लेकिन आप लोग वोट देने जाते हैं तो दिमाग में हिंदू मुस्लिम रहता है? नहीं, हमारे की मुद्दे रहते हैं, हमारे दिमाग में तो जो है हिंदू मुस्लिम रहता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़े लिखा वर्ग है। लेकिन आज वास्तविकता की अगर देखी जाए जो 16 साल से लेकर जो 26-27 साल का जो नौजवान है उसको जो है हिंदू मुस्लिम में इतना घोल दिया गया है कि वो उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहा है। और राष्ट्रवाद की भावनाएं फलानी चीज़ करके कि मतलब राष्ट्रवाद का पाठ हमें इस तरह से पढ़ाया जा रहा है कि जो है एक पार्टी के अगर तो आप विपक्ष में खड़े हो या विरोध में उसको बोल रहे हो तो आप देशद्रोही कहलाओगे। तो ये जो है समझ से बिल्कुल परे है।
यही व्यवस्था जो है यहाँ पे मेरठ में भी है। जैसे मान लिया राजेंद्र अग्रवाल जी हैं, उन्होंने बिल्कुल 5 साल से या 10 साल से वो सांसद हैं, लेकिन साहब उन्होंने काम में तो जो है पूरा जो है देश पीछे छोड़ दिया, ऐसा मान सकते हैं हम जो है। उन्होंने सबसे ज़्यादा काम अगर इस देश में हुआ तो मेरठ के अंदर हुआ होगा, लेकिन अगर स्थिति देखी जावे तो लेकिन कुछ भी नहीं है कहीं पर भी। इसी वजह से लोग सबसे नाराज हैं, जो नाराज भी हैं। लेकिन आखिरकार हिंदू मुस्लिम पर जब बात आती है तो वोटर क्या करेगा? जो हिंदू मुस्लिम का माहौल बनता है कैसे, क्या यहाँ पे आखिर कुछ हिंदू मुस्लिम का माहौल ऐसे बनता है? मैंने बताया आपको जब इस तरफ आ जाइए, जब धर्म सब पर घूम घूम क्या होगा, दिक्कत होगी। आप लोग पीछे आ जाइए इस तरफ ही, सबसे एक करके बात कर लेंगे। जब जिस वक्त पर हम लोग जाति जाति धर्म और बाकी मुद्दों को छोड़ देते हैं, एक राष्ट्रीयता का मुद्दा आता है, तो राष्ट्रीयता में सबसे बड़ा भारत को जो राष्ट्र कहा गया है वो हिंदू राष्ट्र कहा गया है। हिंदू राष्ट्र कहा गया है, आप इसे कहीं भी देख सकते हैं। संविधान में कहीं हिंदू राष्ट्र लिखा है? आप ये बात किसको मानते हैं? हम लोग हिंदू राष्ट्र लिखा नहीं है, लेकिन हिंदू राष्ट्र प्रोनंसिएशन में कहा जाता है, और मैं बोल रहा हूँ कि लिखित में नहीं होगा लेकिन बोला जाता है। और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात जरूर की जाती है, मगर भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। भारत एक सेकुलर कंट्री है जहाँ पर सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग रह सकते हैं, यही हमारा संविधान भी कहता है। सेकुलर कंट्री है जी भारत। अगर सेकुलर ना होता तो वास्तव में आज यहाँ रहने वाला हर धर्म सुरक्षित ना होता। यही तो खासियत है भारत की, ये भारत की खासियत है। लेकिन चूंकि बहुमत के आधार पर यहाँ हिंदू जो एक कम्युनिटी है वो सबसे ज्यादा संख्या में है, तो हिंदू राष्ट्र इसलिए कहा जाएगा। आपके साथ हिंदू राष्ट्र बन गया है? जी है, मैं तो इसे कहूंगा हिंदू राष्ट्र है। जो बीजेपी है या संघ से जुड़े लोग हैं वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात क्यों करते हैं? देखिए, हिंदू राष्ट्र में इसलिए भी कहूंगा, जब जिस वक्त पर पुराने प्राचीन भारत की अगर बात करी जाएगी, यदि हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने वाले शिवाजी को भी इग्नोर नहीं करा जा सकता यहाँ से। कौन करता है इग्नोर? नहीं, आप अगर हिंदू राष्ट्र नहीं कह पा रहे तो इग्नोर करना ही है कहीं ना कहीं। जब देश आजाद हुआ, संविधान बना, संविधान के आधार पर भी अगर आप बात करेंगे तो जिसका बहुमत है उसे ही लिखा हुआ है। जिसका बहुमत है सरकार का तरीका दूसरा, संविधान भी तो लागू होगा। संविधान में थोड़ी नहीं लिखा कि भारत हिंदू राष्ट्र है, सरकार आदि लागू होती है। संविधान के आधार पर सरकार लागू करी जाती है, तो हिंदू क्यों नहीं लागू करा जाएगा? हिंदुस्तान इसका नाम है, वो जब देश आजाद हुआ नाम भारत है। इंडिया की जो उपाधि दी गई वो भी गलत है, इंडिया भी नहीं है, ये भारत है। इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर आप हिंदू राष्ट्र कहते हैं तो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। भारत सभी धर्मों का राष्ट्र है। मैं एक चीज और कहूंगा इसके साथ, हिंदू मुस्लिम पे हम एक चीज बताना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम पे सारे के सारी चीज एक पार्टी ने लगातार कंटिन्यू हिंदुवाद फैला करके कट्टरपंथी फैलाने का काम किया है, और सब लोग जानते हैं कि कौन आदमी केवल हिंदू 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 कहकर और गोधरा कांड जैसे उभार कर वो यहाँ के देश के मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बन गए, और जो दूसरी अल्पसंख्यक बिरादरी आती हैं उनके लिए उन्होंने जो कट्टरपंथ लानी शुरू कर दी। उसी वजह से पड़ोसी, घर का पड़ोसी, देश का पड़ोसी, उसी वजह से लड़ाइयाँ शुरू हो गई। आज हमारे देश पर अभी पुलवामा कांड हुआ, क्या किसी को पता नहीं है पुलवामा कांड का? जिस रास्ते पर सुई नहीं जा सकती, जिस रास्ते पर ट्रैक्टर नहीं जा सकता, उस रास्ते पर 300 क्विंटल बारूद चली गई, क्या मोदी जी हमें बता रहे हैं कि क्या नाम है हमने देश की फलाना चीज़ कर दी? अरे भाई, यहाँ बैठ के हम चाय नहीं पी सकते और यहाँ बैठ के बम फोड़ के चला जाएगा कोई? आपको आरोप लगा रहे हैं। आरोप क्या सराट से सब लोगों को मालूम है, लेकिन बड़े लोगों के सामने लोग बोल नहीं पाते हैं। सब लोगों को मालूम है, चुनाव के बाद सभी पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है, झूठ क्या है। आपका कहने का मतलब ये कि पुलवामा कांड मोदी सरकार ने कराया? और किन्ने कराया साहब? जब सुई नहीं जा सकती, ट्रैक्टर नहीं जा सकता, आदमी नहीं जा सकता, और मैंने करा दिया? शांत होइए सब लोग। यार अगर आपको चिल्लाना है तो आप बच रहे, आराम से बात करो। एक शांत। अब धर्म सुनो, एक मिनट मैं बंद कर दूं। धर्म सुनिए, चौकीदार की बात आ रही है। क्या मेरा लड़का, मैं PhD कर रहा हूँ, मैं चाहूंगा कि मेरा लड़का चौकीदार बने? यहाँ जितने लड़के बैठे हैं वो ये चाहेंगे कि चौकीदार बने? भाई ऑब्जेक्शन दे दिया कि चौकीदार बनो। धर्म देश को आप मतलब देश को आप जो IAS दे रहे, PCS दे रहे, चौकीदार आप रख लेना। देखिए, धर्म सुरक्षित है तो राष्ट्र सुरक्षित है, धर्म सुरक्षित है तो राष्ट्र सुरक्षित है, और धर्म इसलिए भी जीवित रहना चाहिए। अगर हम प्राचीन काल से अगर हम धर्म की बात करें
तो जो धर्म में हमारे लिखा है, जिन वेदों को हम बात करते हैं, उन वेदों को आप संस्कृति के आधार पर उठाकर देखेंगे तो सारी संरचनाओं में कहीं ना कहीं वो धर्म है। और हम इस धर्म को, हिंदू धर्म को, इसलिए भी कहेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं पेड़ में अगर हम पेड़ को भी सुरक्षित रखने की बात करते हैं तो ये हिंदू धर्म है जिसकी वजह से। भैया भैया रैली नहीं चल रही है ना, रैली नहीं चल रही है, ये तो उत्साह है, उत्साह आपकी बावाजी खराब होती है। बात जो है, अब क्या नाम है, हिंदुत्व की है बात, क्या नाम है, कित भड़ाना नाम है मेरा, क्या करते हैं, मैं BLLB फोर्थ ईयर का स्टूडेंट हूँ। क्या बात है, बात जो हिंदुत्व की आई ना, यू जब एकदम नारेबाजी और एकदम उत्साह होगा अंदर से, जब देश की धर्म की बात आ जा रहा है तो उत्साह बढ़ता है, तो इसी वजह से नारे लगाएंगे तो आप लोग की आवाज दबेगी ना। तो आप ये बात सुन लो, भारत माता की, भारत माता की, हो गया। आप लोग देखो ऐसा सुनो, सर दिक्कत क्या है, मतलब कारण क्या है, या धर्म की जो परिभाषा है ना उसकी वजह गलत तरीके से कर दिया। मामला क्या है, जो आप अगर जनवन चीज देखो, अगर हमारा परिवार सुरक्षित है, मतलब हमारे पर जो बच्चे हैं, अगर मेरा परिवार है, अगर मेरे बच्चों को मैं सही तरह से पढ़ा रहा हूँ और उनको जो है सही तरह शिक्षा दे रहा हूँ और जो है वो जाकर नौकरी पे लग जाएं, वो अपने पेट अपने परिवार को जो है आगे बढ़ाएं, तो यही एक धर्मवाद की परिभाषा है और इसमें ही जो है हमारा देश जो आगे बढ़ना है। लेकिन जो है वास्तविकता तो यह है कि हमें जो है ना बांटने का काम जो कर रहे हैं आप, एक मिनट सुनो सर, एक मिनट, मामला क्या है, जैसे अभी आपने ये चीज़ करा तो हम पूरा का पूरा दिन जो है फिर इस पे खो जाते हैं। हमारी स्थिति पता क्या है आज, जो है दिक्कत क्या है, 16 साल से लेकर 24 साल 28 साल तक का लड़का, उसको ना तो अपने पढ़ाई का पता है, फीस की स्थिति उसको पता नहीं है कितनी बढ़ रही है, जो है स्कॉलरशिप को उसको पता नहीं कि तुम्हारे कितनी स्कॉलरशिप आ रही है कितनी नहीं आ रही है, गन्ने के भुगतान का उसको पता नहीं है, 14 दिन का अगर पेमेंट को जो है सरकार ने कहा, मतलब जो एक्चुअल मैनुअल है उसका जो है उसमें सर क्या रखा है कि 14 दिन बाद हमें गन्ने का पेमेंट देना है। लेकिन वास्तविकता अगर आप देखो तो सारी की सारी झूठी चीज़ें चलती हैं, सरकार चाहे कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि समाजवादी पार्टी की हो या बसपा की सरकार हो या जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार हो, लेकिन जो प्रतिनिधि हमारे बीच में है, हमारे प्रतिनिधि है ही नहीं, वो हमारे ऊपर से वो थोप देते हैं। अब जैसा मेरठ में ही है, 2 बार से सांसद हैं, फिर भी जो है जनता नाराज है, फिर भी उनको थोप दिया, ठीक है जी। और जो दूसरा जो है हाजियाकूब जी हैं या दूसरे वाले हैं, पूंजीपति लोग हैं, उन्हें आम जो जनता है उनसे सरोकार क्या, मतलब उनका साहब जो है, बताओ आप जो है वो इनकी बात ये है कि आप लोगों को धर्म की और जो तमाम और राष्ट्र की बातें करते हो बाद में करनी चाहिए, पहले अपनी चिंता कर लीजिए। एक चीज धर्म के आधार पर आपने केवल एक चीज पूछी थी कि यहाँ चुनाव जो है वो धर्म के आधार पर क्यों होता है, तो मैं उसका बता रहे, मैं भी वही बताना चाह रहा हूँ। आप जो हमारे यहाँ आज धर्म के आधार पर दूसरे धर्म के प्रत्याशी हैं, जब जिस वक्त पर इंटरनेशनल लेवल पे एक कार्टूनिस्ट का मुद्दा आया था तो उस वक्त पर उन्होंने अपने धर्म के प्रति कट्टर होते हुए सांप्रदायिकता फैलाई थी, जिस वजह से आज जो दूसरा धर्म है जो बहुमत में भी है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को तो अपना मुद्दा बनाएगा ना। दूसरी चीज, जब जिस वक्त पर और अन्य पार्टियों के मैनिफेस्टो में जब अगर धर्म के हिसाब से किसी महिला को या किसी पुरुष को आरक्षण की बात करी जाती है या उन्हें अलग से वेटेज दिया जाता है तो वो धर्म का मुद्दा राजनीतिक पार्टियों द्वारा बनाया जाता है, ना कि आम जनता द्वारा। आप लोग भी तो वही बात कर रहे हैं, मैं तो छात्रों के बीच इसलिए आया था कि छात्रों की बात होगी, रोजगार की बात होगी, हमारा एक मुद्दा शहर के मुद्दे के आपसे एक मुद्दा अपने द्वारा पहुंचाना चाह रहे हैं जो हमारा मेन मुद्दा है, क्योंकि आप जिस प्रमिसेस पे खड़े हैं वो शिक्षा की जगह लिए सबसे बड़ी चीज़ है। और हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि हमारी जो विश्वविद्यालय की बात हम लोग कर रहे हैं, जैसे हम लोग आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की बात कर रहे हैं, ऐसे ही हमारा एक सबसे बड़ा मुद्दा ये होना चाहिए कि हमारा जो विश्वविद्यालय है उसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाना चाहिए। ये बात हम आप लोगों के माध्यम से आगे पहुँचाना चाहते हैं, बाकी जो चीज़ आप कहेंगे वो अपना सांसद जी के पास आप कहते हैं। बात पता क्या है सर, 70 साल देश को हो गया हमारे आजाद हुए और आज भी, क्या नाम है आपका, अर्जुन गुजर नाम है मेरा, विदेश से मैं हूँ यहाँ से, आज भी मतलब 70 साल बाद भी हमारे यहाँ जो बात है धर्म जातिवाद संप्रदाय से संबंधित बात यहाँ हो रही है, किसान हमारा बेहाल है, जवान बेहाल है, राजनीति स्पष्ट तौर से उनके ऊपर की जा रही है, आप सबको पता, किसान अपनी आवाज अगर दिल्ली में उठाता है तो उनके ऊपर लट भजवा देंगे, मतलब देखो सारी सारी बात यह है, धर्म संप्रदाय तो मुद्दा ही नहीं होना चाहिए आज के समय में,
मुद्दा होना चाहिए किसान, जवान, बेरोजगारी, रोजगार। हमारा देश, हमने माना मोदी जी की जो नीति है अच्छी है, विदेश नीति अच्छी है, पर आप किसानों को तो नज़रअंदाज नहीं करेंगे। मतलब किसानों का वो हाल कर दिया, उन्हें बीड़ी के पैसे दे रहे डेली के, बीड़ी के पैसे उनकी जेब में डाल दो, उन्हें दिहाड़ी पर ले जाओ और काम करवाओ। अब एक एक बात बताओ आप, एक अब दूसरी तरफ अब धर्म की बात कर लो, योगी जी सीधे सीधे हिंदुओं को कह रहे कि हिंदू हमें वोट देंगे, मायावती मुस्लिमों को कह रही, तो धर्म तो ये फैला रहे। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें इस बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए, मेन बात तो ये है। और दूसरी बात नहीं, जो राहुल जी ने कही कि 72,000 रुपये हम देंगे तो हमारे पैसे में, मतलब कहीं से अपने घर से थोड़ी देंगे। और जो राजीव जी ने भ्रष्टाचार करके, इंदिरा ने भ्रष्टाचार करके पैसा कमाया, वो थोड़ी देंगे, ये देंगे हमारा, ये भी हमारा दे रहे, वे भी हमारा दे रहे। मेन तो मुद्दा किसान हो, बेरोजगारी हो, होना चाहिए बताइए, महंगाई कम होनी चाहिए। जो इन्होंने काले धन, देखिए 2014 में एक बार था काला धन, वो हटाकर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, मतलब काला धन को छुपा दिया। मेन चीज ये है घोषणा पत्र का, जो इनका घोषणा पत्र है, कम से कम ये 70-80% वादे पूरे करे, ये ऐसा तो हमारे नेता हुई। अभी हाल में अगर हम सारे नेताओं को देखें तो मुश्किल से 5 या 10% नेता ऐसे होंगे जिन पर हम विश्वास कर सके, उन्हें वोट दे सके, बाकी सब खत्म है, परिवारवाद है और किसी को आगे बढ़ने का मौका नहीं है। या राजनीति हो रही अपने पैसे कमाने के लिए हो रही, देश सेवा के लिए कोई राजनीति नहीं कर रहा। मेरठ में क्या माहौल है? मेरठ में माहौल ये है, किसी को वोट देने के हम पक्ष में नहीं है, ना हजी याकूब को, ना हरिंदर अग्रवाल, ना राजेंद्र को। हम तो जी अगर नोटा भी नहीं दबाने के, अभी सीधा सीधा अपमान है हमारे संविधान का। बस ऐसा है, अपने घर बैठ कर चुपचाप देखते रहो जी चुनाव हो रहा, क्यों टिकट ढंग के आदमियों को इन्हें देना नहीं? अपने टिकट देना तो किसान को टिकट दो, किसान के बालक को टिकट दो कम से कम। अगर नहीं दे सकते 5-10% अब की बार देते, थोड़ा और बढ़ाते, ऐसे ही बढ़ाते जब ही तो राजनीति। अब किसान का बालक क्या करेगा? अब बंदूक उठाओ और वहाँ चले जाओ सरहद पर, और उन पर कोई और कुछ कर ही नहीं सकते, तो खेत में अपने मजदूरी करो और 16 रुपये इनसे ले लो, मतलब वही बीड़ी का पैसे, हाँ बीड़ी का पैसे ले लो बस, और कुछ मुद्दा ही नहीं है। अभी ये भी घंटा हो गए, धर्म जाति। आराम से ऐसा। क्या नाम है? मेरा नाम अक्षय गुज्जर है और मैं पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग का छात्र हूँ यहीं कैंपस में। पत्रकारिता पढ़ाई कर रहा हूँ। हाँ जी, अच्छी अच्छी बातें करना। हाँ, अच्छी अच्छी करूंगा। ऐसा है, यहाँ लड़ाई है मुद्दे की, मेरठ के अंदर धर्म जाति की कोई लड़ाई नहीं है। जैसे भैया ने कही कि किसानों की लड़ाई, राजेंद्र अग्रवाल जी अच्छे नहीं है, याकूब कुरैशी जी अच्छे हैं। अब सुन लो, यहाँ छात्रों का यो कैंपस है, छात्रों की बात करूँगा। सबसे पहले छात्रों की बात, हाजी याकूब कुरैशी जी है, उनकी लड़की है, उन्होंने कुछ दिन पहले आपने समाचार पत्रों के माध्यम से सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, यहाँ पर एक लड़की चर्चित हुई थी हंटर वाली लड़की के नाम से मेरठ के अंदर। उन्होंने जाकर MPGS स्कूल के अंदर वहाँ पर हंटर बजाया छात्रों पर और टीचरों पर, ठीक। सबसे बड़े छात्र हितैषी हाजी याकूब कुरैशी जी, ठीक। दूसरा हंटर चलाया क्योंकि उनकी लड़की को किसी ने धमका दिया था, किसी बच्चे की आपस में टीचर से लड़ाई हो गई थी, ठीक जी। दूसरी बात किसानों के हाजी याकूब कुरैशी जी की 3 मीट फैक्ट्री है यहीं पर, उसके पास में मेरा गांव है जी खानपुर। उन्होंने अपने लड़के छोड़ रखे रात को, जैसे ही अपना किसान रात को अपने खेत वेत पर से आएगा, आकर सो जाएगा, कहाँ बेचारा रात को अपने घर की रखवाली करेगा। गेट उनका है नहीं, अपने मकान खुले रहे हैं, भैंस बांध रखी, अपने सुबह दूध दूध पी लें, कुछ कर ले मैं हिल्ला, अपने भेजे लड़के जाकर उनकी भैंस चोरी, जाकर उनकी भैंस चोरी कर ली, ठीक जी। ऐसे एक किसान हितैषी, ठीक जी। आई व्यापारियों की बात, हाजी याकूब कुरैशी जी का लड़का भूरा आ रहा है यहाँ से मेरठ के अंदर से गोला कुआ के पास में आकर व्यापारी की गाड़ी खड़ी उसकी दुकान के सामने, उसने गाड़ी के टक्कर मार दी। उन्होंने कहा भाई गाड़ी क्यों खड़ी कर रखी है यहाँ, उस पे मुंह में पिस्टल दे दी, वो मारा पीटा वहाँ। ये ऐसे व्यापारी थे हाजी याकूब कुरैशी के मुद्दे किनारे बदमाश है वे, एक नंबर के। और राजेंद्र अग्रवाल जी अगर इनमें छांटा जावे, गुंडा है अगर जो राजेंद्र भाई, एक आदमी बोल लेने दो राजेंद्र, सुनते लो राजेंद्र अग्रवाल जी सभ्यता एवं शालीनता से जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति है। अगर यहाँ पे देख लिया जावे की इनमें से 4 छांट लो तो 4 इनमें से अच्छे छांटे जाएंगे, ना कि नोटा लोकतंत्र का हनन है, ठीक जी। यहाँ से अगर 4 अच्छे छांटने हो तो 4 अच्छे ही तो छांटेंगे। मेरठ में काम क्या किया? काम आईटी पार्क बाईपास पे खुल रहा है, ठीक जी। उड़ान की मंजूरी मिल गई है प्रतापपुर हवाई पट्टी पे से, ठीक जी। काम क्यों ना
शोर नहीं, शांत 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 हो, ये पहले क्या क्या सही है, बंद, एक आदमी बोल रहा है ना यार, अरे एक मिनट सुनो, देखो ये सुनो, अरे सुनो, देखो भैया जिसको बोलेगा अब जिसको बोलना हो हाथ उठा देना, ठीक है, शोर मत उछाना, मैं आ जाऊंगा। चलो ऐसा है जो मेरे भाई, आप अपने पीछे से हटाओ, तुम थोड़ा पीछे हो, आराम से पीछे आ जाओ, पीछे आओ, बैठ कर बताओ, थोड़ा पीछे चल ले, पीछे से खड़े रहने दो। ऐसा है जो मेरे भाई ने कही है ना, यू कहाँ से यू, इसने कही है नू वहाँ विकास करवाया, वहाँ विकास करवाया। ऐसा हमारे गाँव में राजेंद्र अग्रवाल जी आए, खुला खुला विरोध है, गांव में बढ़न नहीं दिए, बाहर निकाल दिए बिल्कुल। जुन्नापुर में यही हाल है उनका, और काजीपुर में भी हुई है, ज्यादा लगभग ये जो गांव है सारे मेरठ शहर में, कहीं उन्होंने गांव में अपने बढ़न नहीं दिए हुए। गांव में पक्के घर पहुंचे, यहां पर शौचालय पहुंचा, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, सब सब फैक्ट मामला है, कहीं कुछ नहीं है। मैं अपने गांव का प्रधान हूँ, सारी चीज जाओ, देखिए शौचालय उन्होंने वास्तव में भेजे हैं 12,000 रुपए, शौचालय जितनी राशि भेजी है उतने में प्रधानों ने बनवाए हैं शौचालय, जो पात्र है उसके हिसाब से, और उसमें जो पात्रता उन्होंने दी है एक कट्टे डेढ़ कट्टे में इस तरीके से उन्होंने दिया है, लेकिन 12,000 में क्या शौचालय बन जाएगा, चलो बना भी दिए, अब बने बनवा दिए। लेकिन प्रधानमंत्री आवास की योजना, प्रधानमंत्री आवास की योजना, मुख्यमंत्री आवास की योजना, मैं प्रधान संघ का जिलाध्यक्ष भी हूँ संभल जिले का, किसी गांव के प्रधान के खाते में प्रधानमंत्री आवास का पैसा नहीं आया है, न मुख्यमंत्री आवास का पैसा आया है। 15 बार ईमानदारी से कह रहा हूँ, विद्या के मंदिर में खड़ा हूँ, 15 बार मैंने अपने गांव का सर्वे करा दिया कि प्रधानमंत्री आवास आ जाए, या मतलब जनेश्वर सॉरी मुख्यमंत्री आवास आ जाए, कोई आवास उनका नहीं आया है, ये बिल्कुल सत्य। प्रधानमंत्री आवास का पैसा तो डायरेक्ट लाभार्थी लाभार्थी खाते में भी तो नहीं आ रहा, उसके घर का सर्वे करा लिया 15 बार, अब वो रोड़ा मारे फेंक के बोले प्रधान रोज आ जाए उत्ती का सर्वे कराने आ रहे, 15 बार तेरे सर्वे कर लिया, तेरे पेट ना भरा अभी, ऐसे सर्वे करा रहे हैं, प्रधान क्या करे बताओ, बेचारा प्रधान भी करे क्या, एक कट्टा सीमेंट का और एक बुग्गी उस रेत की, और उसमें लगा दे पहली बारिश में सारा साफ नीचे है सीमेंट सारा, प्रधान ही क्या करे इसमें जब पैसे इतना दे रहे हैं पीछे से। प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं ना, उस तरह से मामला सादा सीधा सीधा ये है, देखो देखो सुनो, 15 लाख का वादा किया था, अरे सुन लो यार एक मिनट के लिए चुप रहो, जो 15 लाख का वादा किया था, 2 करोड़ नौकरी की बात करी थी, रोजगार की बात करी थी, और सारी चीज़ की बात करते, लेकिन पता दिक्कत क्या है, यहाँ हम जो है सबसे पहला भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या काम करते हैं, सबसे पहले करेंगे भारत माता की जय, फिर उसके बाद में बोलेंगे पूरा झूठ भी जो है तकड़ा करके मामला, फिर झूठ बोलेंगे, झूठ बोलने के बाद में फिर बोलेंगे भारत माता की जय, तो फिर वो झूठ जो है खत्म हो जाता है। केवल इससे इसका इसके बीच की जो स्थिति है ना, तो रोजगार की है ना ही जो है गाँव देहात में काम की है। आप है ना सुनो, सांसद बनने के बाद में जो सांसद होने सांसदों की तो बात छोड़ो, आप माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो गोद लिए गांव थे, आप उनकी स्थिति भी एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है जी, हमारे सांसद के इनका जो गांव है ना भड़ोली, वो भी शायद जो है उसमें ही है गोद ले रखा है, लेकिन लेकिन स्थिति जो है बिल्कुल जीरो है, वास्तविकता में है जो है ना, बस केवल झूठ का तंत्र चल रहा है, और उसमें हम भी लोग शामिल है, ऐसा नहीं है हम नहीं है, हम भी लोग उसमें शामिल हैं, हम भी जो है हम करें भी क्या भाई, हमारे 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 पास के लिए कुछ है नहीं है, हमारे पास एक केवल एक वोट का अधिकार है, लेकिन वोट का अधिकार भी तो उसके लिए ही है, आखिरकार चुने किसे है, कौन ऐसा लोग बताओ आप जो है। क्या नाम है? मेरा नाम गौरव पवार, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का छात्र हूँ ये कैंपस में। भाई थोड़ा उधर हो जाए यार, कैमरा है सामने ना। हमारे देश में जो 5 साल की सरकार रही है उन्होंने उसमें सभी क्षेत्रों में काम हुए हैं, विदेश नीति में भी काम हुए हैं, देश के विकास में भी काम हुए हैं, पहली बार इतना रोड मैप तैयार हुआ है, उज्ज्वला योजना से महिलाओं को सम्मान मिला है, उज्ज्वला। ये आप लोग देश विदेश की बड़ी बातें कर रहे हैं, देश में ये हो गया, विदेश में ये हो गया, यहाँ की बात करिए ना, मेरठ में क्या हुआ, मेरठ में अपने सांसद के बारे में बात करिए। मेरठ के सांसद, हमारे जो मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी हैं, उन्हें सीवर लाइन का काफ़ी मतलब काम किए हैं, पर फिर भी उनका विरोध है। विरोध इसलिए है, हर आदमी ये सोचता है कि सांसद को हमारे पास आना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए, हमारे से बात करनी चाहिए, इसलिए थोड़ा विरोध है। उड़ान के लिए भी यहाँ पे काम हुआ है, मेट्रो मेट्रो के लिए भी प्रस्ताव पास हो चुका है, मेट्रो भी आने वाली है मेरठ में, और माहौल ठीक है। आप राजेंद्र अग्रवाल का माहौल अच्छा है,
क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित गुजर धनपुरा जी, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। क्या माहौल चल रहा है मेरठ के रहने वाले? हाँ जी, मेरठ के रहने वाला हूँ, बिजनौर लोकसभा लगा है। हमारे यहाँ का तो यूँ माहौल है जी, आज तक यहाँ कोई हमारे यहाँ तो आया नहीं है। सांसद जो है भारतीय हिंदु आज तक आया नहीं है। जब बोलते हैं इनसे काम के लिए 400-500 गाँव में कैसे घूमेंगे, अब ये 10-15 दिन में ये सारे घूम रहे हैं, तो इससे तो विकास का कोई मतलब ही नहीं। ये करोड़पति आदमी ये टिकट ले रहे हैं तो विकास कौन करेगा? ये 20-20 करोड़ में टिकट ले रहे, किसान का बताओ कौन टिकट लेके लड़ रहा? किसान तो कोई आदमी लड़ ही नहीं रहा टिकट लेके। बताओ राजेंद्र अग्रवाल किसान है, भारतीय हिंदू किसान है, तो गांव का विकास कहां से हो जाओगा? तो विकास का तो कोई मतलब ही ना जी, नाश ही हो रहा बिल्कुल देश का। हाँ जी, गरीब होना चाहिए आपका मानना है, विकास तभी हो पाएगा। मीडिया का गाना बोलने का। अच्छा पीछे बोलोगे, मीडिया सारे नहीं बोलोगे, ठीक है। और लोग बात करते हैं, क्या नाम है आपका? विजय बहादुर। क्या करते हैं? मैं संस्कृत का स्कॉलरशिप हूँ, इस समय PhD कर रहा हूँ और यहीं से कैंपस से रिलेटेड हूँ। और मुद्दा तो मेरी नज़र में सबसे बड़ी चीज़ तो है, जैसे मैं खुद अपने आप से देखता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है कि सरकार क्या कर रही है या क्या नहीं। सिंपल सी चीज़ है, व्यक्ति जो अपनी से संबंधित मुद्दों के विषय में बोल सकता है। अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो स्टूडेंट से संबंधित, जैसे कि अभी मैं आपको बता दूँ, पिछले छः टीचिंग जो भर्तियां हो चुके हैं जिनके मैं एग्जाम दे चुका हूँ, 6 भर्तियों के एग्जाम दिए हुए मुझे 2 साल हो गए। और शांत हो जाइए भाई आप लोग, है ना, कोई फायदा नहीं पर ऐसे। उस समय जिस समय की बात थी, जिस समय हमने एग्जाम दिया था, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हालांकि बोलने के लिए सबकी अपनी विचारधारा है, कोई किसी को मान रहा कोई किसी को, लेकिन एक सिंपल सी चीज़ है, हालांकि मैं भी सपोर्ट करता हूँ कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ों को, जब 6 एग्जाम मैं दे चुका हूँ और 2 साल से इंतजार कर रहा हूँ, जिसमें कि मुझे आश्वासन दिया जा रहा है कि भाई 15 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा, 15 दिन बाद ये हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं तो रोज़गार, सिंपल सी चीज़ है, अगर मेरे पास रोज़गार नहीं है तो मैं तो कुछ ना कुछ सोचूंगा, रोज़गार नहीं है तो मैं टूटी हुई सड़क भी देखूंगा और भी चीज़ें देखूंगा, मुझे दिखाई दे रही है क्योंकि मैं त्रस्त हूँ इन चीज़ों से। मैं आपको बताऊँ, मैं बागपत से आता हूँ, पूरा महादेव खूब अच्छी जगह है, सभी लोग परिचित हैं पूरा महादेव से, पूरा महादेव और अमीनगर सराय के बीच में मेरा गांव पड़ता है, वो 6 किलोमीटर की रोड है, पिछले 8 साल में अब बनाई जा रही है, अब वो भी किस लिए बनाई जा रही, क्योंकि वो 3 साल पहले पास हो चुकी है। अब तक मैं उसमें इतने गड्ढे में आता हूँ, गाड़ी लेके आता हूँ, एक दिन मैंने गड्ढों से बचने के लिए मैं दूसरे मार्ग से गया तो उस मार्ग में मेरे साथ लूटपाट हो गई थी, जिसमें मेरे 30-40 हज़ार रुपये का नुकसान भी हुआ। किस कारण हुई लूटपाट? क्योंकि मैं दूसरे मार्ग से गया, क्यों गया? क्योंकि गड्ढे थे उस मार्ग में, जो मेरा मार्ग है उसमें गड्ढे थे, इसलिए तो मैं दूसरे से गया, अगर वो सही होता तो मैं अपने मार्ग से जाता। तीसरी चीज़ इससे अलग, भाई चलो नौकरी देख ली जाए कि भाई नौकरी कर रहे हैं हम नौकरी के लिए, भाई सिंपल सी चीज़ है, सभी लोग पकोड़े तो बना नहीं सकते, ये तो सिंपल सी चीज़ है। मैं अगर PhD होल्डर हूँ या यहाँ जितने भी हैं जो उनसे भी भारत माता की जय के नारे लगा रहे, क्या हम लोग नहीं लगाते? लेकिन कारण क्या है? मुद्दे ना दबे उस भारत माता की जय में, ब्रांडिंग करनी गलत है किसी चीज़ की। भाई आप ये कैसे साबित कर रहे हो कि जो BJP को वोट नहीं दे रहा वो गद्दार है? क्यों साबित कर रहे हो? और दूसरी चीज़, धर्म क्या बना रखा? धर्म है आज के टाइम में सोशल मीडिया की बक बक, जिसने अपना सोशल मीडिया पे 10 मिनट टाइम दे दिया, 20 मिनट दिन में को, वो ही धर्म को समझ गया, उसके लिए धर्म क्या हो गया? नहीं तो अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरा धर्म है पढ़ना, पढ़ाई करना, एग्जाम क्लियर करना, क्योंकि मेरे साथ मेरे परिवार की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। अगर ये भाई किसान है या मैं ही किसान हूँ तो मेरा धर्म है अपने खेती को देखभाल करना, क्यों अब मैं उस खेती को छोड़कर रोड पर खड़ा हो जाऊँ? मोदी हाय हाय या राहुल गांधी हाय हाय, तो वो चीज़ें नहीं हैं ना, उन चीज़ों का कोई सरोकार। सबसे पहली चीज़ है रोज़गार, आप इस चीज़ को झुठला नहीं सकते। और अगर यहाँ मेरे वर्ष मानना, पिछले 5 साल में जो मोदी सरकार ने तमाम दावे किए रोज़गार डेवलप करने के, नहीं हुए। रोज़गार के विषय में मेरा मानना ये है कि रोज़गार के विषय में कोई कार्य नहीं हुआ है, सिंपल सी चीज़ है। मैं अपने आप से लोग बात कहते हैं, जो बहुत से ऐसी मेरे मित्र हैं काफ़ी पढ़े लिखे हैं, वो भी मैं उनसे बात करता हूं तो वो कहते हैं, जो 70 साल में तो आपने नहीं मांगा। अरे भैया, जब 70 साल वालों ने नहीं दिया और आप भी नहीं दे रहे तो आपकी ज़रूरत क्या है हमें? हम तो उन्हें 70 साल वालों को ही रख लेंगे। जब आप रोज़गार मुहैया नहीं करा रहे हो तो वो 70 साल वाले बुरे थोड़ी है हमारे लिए। हमने किस उम्मीद पे दिया था आपको वोट? इसीलिए तो दिया था कि रोज़गार मिलेगा।
रोजगार मिलेगा, जिसमें कि रोजगार भी चलो देख लिया जाए, आदमी टाइम बता दे भाई 2-3 साल लग सकते हैं या कोई प्रक्रिया बता दी। अब हर चीज़ की प्रक्रिया चल रही है। आप, मैं किसी का विशेष समर्थक नहीं हूँ किसी भी पार्टी का, लेकिन आप कहते हो कि अखिलेश के टाइम में इतने टाइम भर्ती रुकी रही, अरे उसमें हम ये कहें उसमें हुई नहीं, लेकिन आपने अपने टाइम में क्यों रोक रखी? अभी हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है सरकार को बुला के, सरकार को बुला के फटकार लगाई है, कहा है सरकार को कि आपने अपने टाइम में कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में 2.5 साल हो गई हैं गवर्नमेंट बने हुए। हालांकि मैं बहुत बड़ा समर्थक हूँ मोदी गवर्नमेंट का, योगी गवर्नमेंट का इतना बड़ा समर्थक हूँ शायद कोई ना हो, लेकिन रोजगार के मुद्दे पर कहीं ना कहीं फेल है बिल्कुल। और हार का कारण उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा हार का कारण जो होगा यही होगा रोजगार, गारंटी है इस चीज़ की बिल्कुल मेरी तरफ से। सर देखिए, बड़े भाई ने कही कि रोजगार, रोजगारी मुद्दा है मेन, राष्ट्र हम बोलने से राष्ट्र संपन्न नहीं होगा। अगर आप हर परिवार में एक सरकारी नौकरी दे देंगे तो वो परिवार संपन्न हो गया। सोचिए ये चीज़, अब परिवार संपन्न हो गया तो राष्ट्र संपन्न हो गया। जब सभी परिवार संपन्न होंगे, सब अपना खाने कमाने में अपने व्यस्त रहेंगे, तो कुछ और चीज़ रहने की ही नहीं। अब इनका क्या है, अपने उस पर खड़े होंगे बड़े स्टेज पे, राष्ट्रवाद, भारत माता की जय, इन सब चीज़ों को एक पर छोड़ के अगर सरकारी नौकरी रोजगार ये दे दे सभी परिवारों को, भारत के सभी परिवारों को उन्हें संपन्न कर दे, तो राष्ट्र हमारा ऑटोमेटिक संपन्न हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये, हर बात में क्या कहेंगे कि 70 साल में कुछ हुआ नहीं, हमने मान लिया कुछ नहीं हुआ, उसमें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही। और एक और आप सभी जितने मोदी भगत है या जो भी है, यह बिहारी जी ने, जो अटल बिहारी जी है, उन्होंने संसद में अपने बयान में कही कि हमसे पहले भी बहुत काम हुए, 2002 के आसपास उनका बयान था संसद में, या आप नेट खोल कर देख लीजिए। अब यह तो अटल बिहारी जी झूठे या मोदी जी झूठे, हमें तो एक चीज़ बता दो, दोनों में से झूठा है कौन? यह भगत झूठे, कोई ना कोई तो झूठा है जरूर। राहुल गांधी कैसे लगता है आप लोग? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक है ही नहीं। मेन बात तो है परिवार पूंजीवाद का, परिवारवाद पूंजीवाद जो भारत में फैल रहा, भारत का कभी कभी भी मेरे हिसाब से विकास नहीं हो पाने का इस तरह से बिल्कुल। राहुल गांधी उसका कोई, बस मैं कहना नहीं चाहूँगा राहुल गांधी के लिए, तो जितने शब्द कहूँ उतने कम है, वो बिल्कुल खराब आदमी है। मोदी जी के आसपास ही कहीं नहीं राहुल गांधी। आप स्टूडेंट के तौर पर क्या चाहते हैं सरकार? हम तो सर ये चाहते हैं हमारा विश्वविद्यालय साफ हो, सुंदर हो, यहाँ कानून व्यवस्था अच्छी हो, हमारे किसान, मैं किसान परिवार से हूँ, मेरा परिवार संपन्न रहे, किसान हमारा संपन्न हो, और हमारा सभी देश में सभी परिवारों में एक जरूर सरकारी नौकरी एक जरूर हो, ऐसा रोजगार मोदी जी स्थापित करें, जब ही सरकार का कुछ फायदा, नहीं तो कुछ फायदा ही नहीं ऐसा। जी सब अपनी बर्बादी का जश्न अपने आप मना रहे हैं, ठीक है जी। पहले मोदी जी ने कह दी कि 15 लाख रुपए सबके खाते में जाएंगे, सब ने कही भाई 15 लाख आएंगे हमारे खाते में, हमें कुछ नहीं चाहिए मोदी जी से, ठीक। अब राहुल गांधी जी ने कह दी 72 हज़ार हर खाते में आएंगे, उन्हें कुछ नहीं चाहिए राहुल गांधी जी से, बस 72 हज़ार रुपये चाहिए। अब ये मेरे भैया, मैं हूँ, अगर मेरी और भैया की नौकरी लग जावे तो हमें दोनों को 35-35 हज़ार रुपये तनख्वाह के मिलेंगे, 72 हज़ार में दोनों की नौकरी हर महीना तनख्वाह आएगी, हमारा दोनों का परिवार संपन्न हो जाएगा। उन्हें क्या, एक परिवार को 72 हज़ार रुपये दे दो, पूरी साल ऐसे ऐसी मराओ पूरा परिवार। ऐसा दिक्कत का सुनो भैया, आप छात्र के तौर पर क्या चाहते हैं सरकार से? ज्ञान का अभाव जो है बड़ा कम है, वो जो 72 हज़ार वाली बात चल रही है ना, जो परिवार का जो स्किल है, जो मिनिमम जो जिसके नाम पर जो है, मतलब आप राशन कार्ड मान लो या वो मान लो, वो सबके लिए तो है नहीं है, जो मुझे लग रहा है, जो मैंने पढ़ाया थोड़ा बहुत। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है हमारे बीच में, बस ये मामला है कि परेशानी जो रोज़गार की है बस, केवल और कोई इसमें बड़ी चीज़ नहीं है। आप भर्ती देख लो, आप जो है भर्तियाँ जो है आती हैं, सबसे पहले चार पाँच स्टेप पूरे करने पड़ते हैं छात्र को। पहला फॉर्म भरेगा, फॉर्म भरने के बाद जो एग्ज़ाम देगा, एग्ज़ाम देने के बाद में उसको मेरिट बनेगी, मेरिट के बाद में उसको जो सरकार रोक देगी, उसके बाद में फिर धरना प्रदर्शन करेगा, फिर उसके बाद में उसकी जो ज्वाइनिंग लेटर आएगा उसके लिए संघर्ष करेगा, उसके बाद में उसे रोज़गार मिल रहा है। तो इसी बीच में जो दूसरी नौकरी आती हैं उसमें जो भर नहीं पाता है, उन्हें भर पाएगा तो फिर आने वाले टाइम में अगर वो भर्ती पोस्टपोन करता सरकार, फिर क्या होता है, फिर उसकी उम्र निकल जाती है। तो जो रोजगार जो है बेरोजगार इस वजह से ज़्यादा हो रहा है। और जो राहुल गांधी की आप बात कर रहे थे, राहुल गांधी जी जो है ना, कांग्रेस इस देश की जनक है, कांग्रेस ने इस देश को सींचा है और उन्होंने इस देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है कि शायद जो है उस चीज़ को भुला नहीं सकते हम। और पिछले 70 साल में है ना जो विकास हुआ है उसको भी हम ठुकरा नहीं सकते। जब सुई बनाने की चीज़ ना हो तो उससे लेके अब तक एक जहाज़ में, और जो आज मोदी जी जिसका परीक्षण करके आए थे ना, वो भी जो है कांग्रेस की ही देन थी। तो ये चीज़ जो है हमें सोचनी पड़ेगी, जो है हमें जो है दिक्कत क्या है, हम फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो है छात्र बन गए,
जो भी हम अब तुमने मुझे भेजा है मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई जो है ये तो मेरे लिए ठीक है, तो मैं भी क्या काम करूँगा, मैं दूसरे भाई को भेज दूंगा, दूसरे भाई को अच्छा लगेगा वो दूसरे भाई को भेज देगा। लेकिन जो है इससे आगे जो ज़िंदगी है वो आने वाले 5 साल 10 साल तक ये चलेगा भी और दूर, लेकिन इससे आने वाले टाइम में जो है सर चीज़ सुधरेंगे धीरे धीरे, जो है नौजवान जागरूक होगा समझदार होगा। पिछले 5 साल में जो है अच्छे ज़्यादा अंधभक्त थे लेकिन अब थोड़े कम हुए हैं, वो आने वाले टाइम में और भी कम होंगे। अभी जो है पुलिस में जो है 850 लड़कियां और 850 लड़के निकाल दिए गए केवल उनका एक मार्क्स कम होने की वजह से। वो 5 साल से सन 2011 के भर्ती हैं, अब बताओ सन 2011 के भर्ती इस समय उन्हें तुम निकाल दोगे, किसी ने लोन पे घर ले रखा है, किसी ने कुछ कर रखा है, तो ये कौन सी नीति है साहब बताओ। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं, सड़कों का जंजाल, आप गजरौले से संभल को चले जाओ, सड़कों की स्थिति ख़राब है। हमारी यूनिवर्सिटी में वैकेंसी निकली थी, सब लड़कों को मालूम है कौन लोग भर्ती करेंगे, जो RSS के बड़े प्रचारक थे ना सब उनकी भर्ती हुई है, कहने की जरूरत ही नहीं। आप किसी से पूछ लो कहीं जाकर कहाँ भर्ती हुए हैं, जो भर्तियाँ निकली हैं यहाँ, जो भर्ती ना यहाँ OBC का भरा, कौन प्रचारक भर्ती करा किसी से पूछ लो आप, कौन प्रचारक भर्ती हुआ, कोई प्रचारक भर्ती नहीं हुआ, ना OBC भर्ती हुआ, ना OBC भर्ती हुआ। जितने उसमें 4 या 5 लोग जो है ना उनका जो एड्रेस भी है ना वो शंकर आश्रम मेरठ का है, ठीक है, नहीं और की तो बात छोड़ो आप जो। अरे अरे सर मैं कह रहा हूँ, अरे सर मैं कह रहा हूँ, मैंने कह दिया मेरी PhD रुक जाएगी, इन्होंने कह दिया इसकी MPhil रुक जाएगी, लेकिन कारण क्या है कि ये लोग दबाने का काम करते हैं। ना उसमें SC लिया गया है, ना उसमें OBC लिया गया है, ना उसमें कोई लिया गया, उसमें से वो लिए गए हैं जो RSS के प्रचार थे, जिन्होंने छोटा नेकर पहनने काम करा, सब वो लिए गए और कोई नहीं लिया गया, ठीक है जी। चलिए तो मेरठ यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के छात्र क्या कह रहे थे, मेन मुद्दा जो यहाँ पर समझ में आया वो रोजगार का ही है, तो आने वाले चुनाव पे कितना असर डालेगा ये तो 23 मई को ही पता चलेगा। ऐसे ही और शहरों में हम जाएंगे, छात्रों से बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे और आपको जनता का मूड बताते रहेंगे। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। शुक्रिया। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर, दी लल्लन टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज़ का ख्याल करो, सबसे पहले इंस्टॉल करो।